नमस्ते एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम हमारे जो प्रिंटेड कॉटन के सूट होते हैं उसके नेक डिज़ाइन को बनाना सीखेंगे। यहाँ पर हमने कटिंग कर ली है अपनी कमीज की, साथ में हम इस लेस का प्रयोग करके अपने नेक को बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बुकरम का टुकड़ा लिया है जिसकी जो है चौड़ाई 9.5 इंच और लंबाई 9 इंच है। अब हम इसे डबल फोल्ड करेंगे और इस पर हमारे नेक को मार्क करेंगे। आज हम अपनी डिजाइनिंग में चौरस नेक का प्रयोग करेंगे, तो इसके लिए मैं 3.25 इंच की ऊपर से चौड़ाई और इसकी 7 इंच की नीचे से गहराई मार्क की है। साथ में हम नीचे भी 3.25 इंच का एक निशान लगा लेंगे। यहाँ पर मैं चौरस नेक को कट कर रही हूँ। अब इन निशानों को मिलाकर इनके साइड में हम 1-1 इंच का जो है मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा रख लेंगे, क्योंकि हम इस नेक को जो है बनाने के बाद फ्रंट साइड फोल्ड करेंगे, यानी कि पलट के हम जैसे कमीज को उल्टी साइड नेक को लेके जाते हैं, हम इस नेक को उल्टी साइड बनाएंगे और इसको सीधी साइड लेकर आएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपने नेक की कटिंग कर ली है। अब हम इसे कपड़े पर पेस्ट कर लेंगे। कपड़े पर पेस्ट हो जाने के बाद अब हम इसको जो है सीधी साइड लेके आएंगे और इसकी किनारी पर से आप चाहें तो सिलाई की सहायता से या फिर चौक की सहायता से निशान मार्क कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम इनविजिबल तरीके से लैस को अटैच करेंगे। यहाँ पर मैंने इस पर जो है कंट्रास्ट में लैस को लिया है और आप चाहें तो इसमें जो है सेम कलर की लैस को भी अटैच कर सकते हैं। और जो हमने निशान लगाया था वहाँ पर से इस लैस को जो है अटैच कर लेंगे। अगर आप राउंड नेक पर यह डिजाइन बनाना चाहें तो आप राउंड नेक पर भी बना सकते हैं। राउंड नेक पर भी यह डिजाइन बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। आज हम चौरस नेक पर यह डिजाइन बना रहे हैं। यहाँ पर हमारी लैस है जो वो लगकर रेडी हो चुकी है। अब हम अपनी कुर्ती को लेंगे। ये हमने सीधा साइड लेके जाना है तो हम इस नेक को उल्टी साइड जो है अटैच करेंगे। तो अब हमने इस कुर्ती पर नेक को रख दिया है और इसे जो है पिन की सहायता से इस पर स्टेबल कर लेंगे। आप सेंटर में जो है सिलाई लगाकर भी कई बार इसको एडजस्ट करते हैं तो वह जो है नेक एक साइड से छोटा या बड़ा रह जाता है। तो मैं यह सजेशन करूंगी कि आप जब भी नेक को बनाएं तो उसमें पिन का प्रयोग करके उसको पहले एडजस्ट करें, जिससे आपका नेक है एकदम जो है परफेक्ट तरीके से बनेगा। यह देखिए नेक अटैच हो चुका है। अब हम एक पाँव का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और इसके जो कॉर्नर्स हैं इनमें छोटे छोटे कट लगा लेंगे, ताकि जब हम इसको सीधी साइड लेके जाएं तो हमारे जो कॉर्नर है वो अच्छे से जो है सीधे हो जाएं। अब हम इस लैस को बाहर की साइड निकालते हुए इसकी किनारी पर से पक्की सिलाई को इसको एडजस्ट करेंगे। पक्की सिलाई का प्रयोग करने से यहाँ पर जो है मजबूती आ जाती है और हमारी जो लैस है वो अभी अच्छे से शेप ले लेती है। यह सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद यह देखिए अंदर की साइड तो हमारी लैस लग चुकी है। अब हम बाहर की साइड भी जो हमने बाहर नेक को निकाला है वहाँ पर भी लैस को दबाते हुए अटैच कर लेंगे। यह भी हमारी जो है इनविजिबल रूप से बाहर भी लैस अटैच हो जाएगी और देखने में यह गला जो है बेहद ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और इसके कॉर्नर को फोल्ड करने के लिए यहाँ पर छोटी छोटी प्लेट्स डालें कॉर्नर की साइड में, ताकि हमारी जो लैस है वो अच्छे से जो है मुड़ सके। अब यहाँ पर हमारी जो है लैस कंप्लीट हो चुकी है और इसी के साथ हमारा जो नेक है वो बनकर भी तैयार हो गया है और देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और इसकी शेप आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही और भी मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और कोई भी अगर मुझसे गलती हो जाए तो सजेशन ज़रूर दें। धन्यवाद।